उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और आज डीजीपी अशोक कुमार का विदाई समारोह हल्द्वानी के डीपीएस स्कूल में रखा गया। आपको बता दें कि विदाई समारोह में नैनीताल के कप्तान और कई लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उनके शुरुआती दौर से लेकर अभी तक के सफर में चुनौतियों से लेकर सफलताओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं आम जनता और पुलिस के बीच में समन्वय और एक पुलिस कर्मी के परिवार के लिए आने वाली परेशानियों और निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उनकी पत्नी अलकनंदा उनके साथ मौजूद रहीं। आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी का नाम सामने नहीं आया है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड को भी कार्यवाहक डीजीपी मिल सकता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर ने जब आज से 3 वर्ष पूर्व अपना डीजीपी का कार्यभार ग्रहण किया था तो हम दोनों की मन की ये बहुत इच्छा थी कि हमको अपने पुलिस परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पुलिस की जो सर की सर्विस है इसमें इतने लंबे समय से हमें इतना सब कुछ उन सर्विसेज से मिला है, तो हमें भी कुछ ऐसा योगदान करना चाहिए अपने स्तर पर। और हमने उत्तर प्रदेश के टाइम से ये देखा था कि जब हमारे जवान बहुत हार्ड ड्यूटी कर रहे होते थे तो उनकी फैमिलीज़ निगलेक्ट हो रही थी। देखिए, बहुत ही सुखद रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा, किंतु इंजॉयबल भी रहा। मतलब बहुत टफ है पुलिस का काम, किंतु जैसा अभी चर्चा हुई हल्द्वानी क्षेत्र के, कुमाऊं क्षेत्र के बहुत से लोग आए थे, सब ने जिस तरह से बताया, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आई तराई में आतंकवाद से लेकर के, और जो है काला ढूंगी कांड जो हुआ था नैनीताल का, और बहुत सारी बातें हुई, किंतु कोरोना काल आया, आपको पता है, फिर भरत कुंभ की चुनौतियाँ, कोरोना में कुंभ हुआ, चार धाम यात्रा हुई और कांवड़ मेला हुआ, और जनता के सहयोग से और पुलिस के टीम वर्क से